तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 46 ऑफ द रियल सुपर फैक्ट्स। तो आज मेरे पास लेटिशा राइट के द हॉलीवुड रिपोर्टर्स पर एंग्री रिएक्शन से लेकर फ्लैश की मूवी डिले होने का रीजन और ब्लैक एडम की ऑनलाइन रिलीज डेट जैसी कई सारी मेजर अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं, जहां ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी की को स्क्रीन राइटर जो रॉबर्ट कॉलिन ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए बताया है कि जब यह मूवी अर्ली डेवलपमेंट में थी तब इस मूवी में अम्बाकू और नाकिया ये दो वो कैरेक्टर थे जिनको इस मूवी में ब्लैक पैंथर बनाने की बातें की जा रही थी, पर वही शूरी पहले ही कॉमिक बुक में ब्लैक पैंथर बन चुकी थी तो उसको ही इस मूवी में ब्लैक पैंथर बनाया गया। इसी के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि मार्वल के अपकमिंग ब्लेड मूवी के लिए यान डोमिंगो को एज अ डायरेक्टर हायर किया गया है। अगले अपडेट की बात करें तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी से कैंग और एंटमैन की एक स्टिल इमेज रिलीज की गई है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को लेकर कहा है कि ये मूवी आगे आने वाली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी के साथ पूरे एमसीयू पर अपना इम्पैक्ट डालने वाली है। साथ ही इस मूवी में कैंग का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स ने कंफर्म कर दिया है कि एमसीयू में उनके कैंग के कैरेक्टर के बहुत सारे वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत पावरफुल है। अगली अपडेट है डिज्नी प्लस अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर से, जहां मार्वल प्रोड्यूसर जेफ ट्रेमल ने इस सीरीज को मार्वल स्टूडियोज को पिच करने के 2 साल कम्प्लीट होने पर ये एक पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा है कि ठीक आज के दिन 2 साल पहले उन्होंने इस सीरीज को मार्वल स्टूडियोज के साथ शेयर किया था और वो इस सीरीज को ऑडियंस को दिखाने के लिए वेट नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर सीरीज को कैंसिल करने वाला है। आगे बढ़े तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी रिलीज होने से पहले द हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने अपनी साइट पर यह आर्टिकल पब्लिश करते हुए कहा था कि लेटिशिया राइट के एंटी वैक्सीन स्टेटमेंट वाले वीडियो की वजह से उनको उनके कैरेक्टर शुरू के लिए ऑस्कर मिलने के चांसेस कम हो गए हैं, जिस पर अभी खुद लेटिशिया राइट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी थ्रू अपना एंग्री रिएक्शन देते हुए कहा है कि उन्होंने ये जो आर्टिकल पब्लिश किया है वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और झूठा है। जहां इस आर्टिकल में बोला गया है कि उन्होंने वकांडा फॉरएवर मूवी की सेट पर एंटी वैक्सीन स्टेटमेंट दिए जो कि एकदम झूठ है। उन्होंने उनको उस वीडियो के लिए पहले ही माफी मांग ली है और अभी वो इन सारे झूठे स्टेटमेंट के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाली। अगर आपको उनकी पूरी स्टोरी पढ़नी है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यही पे आते अल्फ्रेड मोलिनो पे, जिनको हमने स्पाइडरमैन की मूवीज और स्पेशली नो वे होम मूवी में डॉक ऑक का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा ही है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा है कि जब एक बार एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि स्पाइडरमैन की मूवी कैसी चल रही है, जहां उन्होंने एक्सीडेंटली बोल दिया था कि बहुत अच्छी, जिसके बाद वैरायटी के रिपोर्टर्स ने यह बोल दिया कि अल्फ्रेड मोलिनो ने उनके कैरेक्टर डॉक ऑक को नो वे होम मूवी में कंफर्म कर दिया है। जिस पर एक रेड कार्पेट इवेंट में जब केविन फेगी से इस मूवी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस सवाल को आपको अल्फ्रेड मोलिनो से पूछना चाहिए, जहां साफ दिख रहा था कि वो अल्फ्रेड मोलिनो पर उनके स्टेटमेंट को लेकर गुस्सा हो गए थे। आगे आए तो डीसी के अपकमिंग मूवी फ्लैश के एडिटर ने एक इंटरव्यू में इस मूवी के लेट होने के रीजन शेयर किया है, जहां उन्होंने कहा है कि इस मूवी में एक नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जिसकी मदद से वो सेम टाइम पर एक ही एक्टर के कई सारे वर्जन स्क्रीन पर बिना किसी मोशन कंट्रोल या फिर लास्ट नाइट सोहो की मदद से दिखा सकते हैं, जिसको एडिट करने में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है और यही एक वन ऑफ द रीजन है कि जिसकी वजह से फ्लैश मूवी की रिलीज डिले हो रही है। इसी के साथ ब्लैक एडम मूवी की ऑनलाइन रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है जो कि 22 नवंबर की होने वाली है और इसका फुल ब्लू रे वर्जन नेक्स्ट ईयर 3 जनवरी को अवेलेबल होने वाला है। तो जिन लोगों ने इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा तो वो लोग 22 नवंबर को इस मूवी को आराम से घर पर एंजॉय कर सकते हैं। आगे चार्ली कॉक्स की अपकमिंग ट्रेसन सीरीज का एक ऑफिशियल पोस्टर सामने आया है और ये लिमिटेड सीरीज नेटफ्लिक्स पर 26 नवंबर को स्ट्रीम की जाने वाली है। इसी के साथ ये कंफर्म हो चुका है कि इंडियाना जोन्स 5 में हैरिसन फोर्ड को डीएज टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी एज कम करके दिखाया जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतनी अपडेट थी पूरे मार्वल डीसी और बाकी हॉलीवुड मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।